जुन्दु। जुन्दु। ये रेडियो जुम्बिश उर्दू की आवाज़ है आज जुमा का दिन 19 जून और साल 2020 है न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूँ आपका मेजबान हमेरा बलोच खारन हब और मशकी में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज और रियाती मुखबरों पर हमले किए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी बलोच मुसल्ला तनजीमों ने कबूल की है केच में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने दो नौजवानों को जबरी तौर पर लापता किया है तुरबत में सियासी और समाजी खलकों की तरफ ऐसी सानिया दाजन के खिलाफ ऐतजाजी मुजाहरा किया गया कराची और लाडकाना में वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन ऑफ सिंध की तरफ से शहीद नियाज लाशारे की हिरासती कत्ल और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहताजी मुजाहरा किया गया ये थी चंद अहम खबरों की सुर्खियाँ अब आई न्यूज़ ब्रेटिन में शामिल बलूचिस्तान से मुतल्लिक खबरें दोस्तों मुराद बलोच ऐसी सुनते हैं खारान के इलाके लिज्जे में शोआब के करीब नामालू मुसल्ला अफ़रात ने काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज के मेन कैंप पर राकेटों से हमला किया है दूसरी तरफ काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने भी जवाबी फायरिंग की है जहां धमाकों और फायरिंग से इलाका गूंज उठा है जबकि हमला आवर मौके से फरार हो गए हैं दूसरी तरफ आवारान के इलाके मशके गजली में भी काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज के कैंप पर हमला हुआ है लिज्जे हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जियन बलोच ने कबूल करते हुए कहा है कि उनके सर्माचारों ने खारान के इलाके लिज्जे में शोआब के मकाम पर काबिज पाकिस्तानी फौज के मरकजी कैंप पर हमला किया जिससे काबिज़ पाकिस्तानी फोर्सेस को जानी और माली नुकसान उठाने पड़े दूसरी तरफ बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गुहराम बलोच ने मश्के गजली आर्मी कैंप पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि बुध के रोज सर्माचारू ने मशके में आर्मी कैंप पर उस वक्त हमला किया जब फौजी एहलकार फुटबॉल खेल रहे थे मेजर गुहरम बलूच के मुताबिक कैंप के सामने वाले मोर्चे में गार्ड पर मामूर एक को निशाना बनाकर हलाक करने के साथ फुटबॉल खेलने वाले एहलकारों पर रॉकेट और जदीद हथियारों से हमला किया जिससे मुतद हलाक व जख्मी हुए मेजर गहराम बलोच ने आवार में काबिज पाकिस्तानी फ़ौज की गाड़ी को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल की है गहराम बलोच के मुताबिक फ़ौजी काफिले की एक गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया जिससे गाड़ी मुकम्मल तबाह हुई और गाड़ी में सवार तमाम अहलकार हलाको जख्मी हुए खारान के पहाड़ी इलाके लिज्जे तोक में मुसल्ला अफ़राद ने फायरिंग करके हसन खान सासोली नामी एक शख्स को हलाक कर दिया है दूसरी तरफ हब में साकर रोड पर वाकई एक हमाम की दुकान पर नाम मुसल्ला अफराद की फायरिंग से दुकान के मालिक समेत दो अफराध जख्मी हुए हैं बलूच लिब्रेशन आर्मी के तर्जमान जियत बलोच ने मजकूरा हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि उनके सर्माचारों ने खारान और हब में मुखबरी के जुर्म में पाकिस्तानी खुफिया इधारों के कारिंदों को निशाना बनाया पहला हमला खारान के इलाके लिज्जत किया गया जहां सर्माचारों ने हसन खान सासोली को फायरिंग करके हला कर दिया जो पाकिस्तानी खुफिया इधारों के लिए बलूच तहरीकी आज़ादी के खिलाफ सरगर्म था और उसने बी एल ए के कई सर्माचारियों को शहीद करवाया था जियन बलोच के मुताबिक दूसरे हमले में हब चौकी में आई, आई के लिए काम करने वाले एक नेटवर्क के कारिंदों को निशाना बनाया मजकूर अफरा साकुरान रोड पर हमाम की दुकान की आड़ में खुफिया इदारों के लिए काम कर रहे थे लश्कर बलूचिस्तान के तर्जुमान लबंग खान बलूच ने कहा है कि बुध की सुबह उनके सर्माचारू ने जामरान के इलाके मरव में एफ सी कैंप आरोप हमला किया जिसमे फोर्सेज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना रहा केच में तुम्ब के इलाके गोमाजी और मलांट के दरमियान बुध को काबिज़ पाकिस्तानी फोर्सेज ने दो अफरा को हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता किया है जिनकी शनाख्त अहमद वलद अब्दुल करीम और शेहक वलद गनी के नामों से हुई है लापता होने वाले दोनों अफराद बैरून मुल्क से अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपने आबाई इलाके आए हुए थे तुर्बत में सानह दाजिन और शहीद कल्सूम के कत्ल के खिलाफ सियासी और समाजी हलकून ने तुर्बत प्रेस क्लब के सामने ऐतजाजी मुजाहरा किया मुजाहरीन से खताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि सरकार की पुश्त पनाई में कायम डेथ स्क्वाड के लोग रोजाना वारदात कर रहे हैं इन वारदातों में डकैती चोरी और औरतों का कत्ल शामिल है मुजाहरीन ने कठपुतली हुकूमत से इस्तीफा का मुतालबा करते हुए कहा कि इन वाकियात की रोकथाम में हुकूमत सुस्ती का मुजाहरा कर रही है बलूच आजादी पसंद रहनुमा डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान जैसी तारीख और तहजीबी अकदार से ना आशना दुश्मन से खैर की तो फहमी के समंदर में डूबने के मुतरिफ है डनुक और दाजिन जैसे वाक़ पाकिस्तान के इंसानी अकदार से बेबहरा होने की वाज सबूत और दलील है और डनुक वाक आरोप बलूच कौम के तारीखी एहतजाज ने पाकिस्तान के जराइम को दुनिया के सामने आश्कार किया इन वाक़ ऐसी पाकिस्तान के पाले हुए पार्लियमानी ग्रोहों के बदनुमा चेहरे पाकिस्तान ताकत के जारहाना इस्तेमाल से बलूच कौम को बावर कराना चाहता है कि गुलाम की मुकदर में जिल्लत और मौत लिखी जा चुकी है और लोग अपने वतन पर आबरू मंदाना जिंदगी का खाब देखना बंद कर दे डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान बलोच वतन में जंगी जराम की नई तारीख रकम कर रहा है पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारे बरबरीत की इंतहा करने के बावजूद रियासती रिट कायम करने में नाकाम है यही वजह है की बलूचिस्तान भर में डेथ स्क्वाड्स का जाल फैलाया गया है डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच का तफसली बयान आप हमारी वेबसाइट जुरम्बिश डॉट कॉम पर पढ़ सकते हैं केज के इलाक़े बुलेदा जामरान में मनशियात की खुलेआम फरोख्त के खिलाफ आज तीन बजे बुलेदा जामरान के तमाम बाजारों में बकत वक्त एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे जिसके बाद एक मुश्तरक लायामल के तहत बुलेदा जामरान की आवाम मुश्तरक रैली निकालकर तुरबत शहर में जाकर धरना देंगे फॉर मिसिंग ऑफ सिंध की जानब से सिंध में सिंधी मिसिंग शहीद न्याज लाशारी की लाश मिलने और दीगर लापता अफरा की बाजियाबी के लिए एहती मुजाहरे किए गए ऐतजाजी मुजाहरे कराची और लाड़काना में हुए जिसमें लापता सिंधी अफराद के लवाहन और सियासी और समाजी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की मीडिया से बातचीत करते हुए मुजाहरीन ने न्याज लाशारी की जबरी गुमशुदगी और शहादत के हवाले से तफसीत बताए, वॉइस फॉर मिसिंग सिंध के रहनुमाओं और मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि सिंध से 50 से जायद जबरी तौर पर लापता किए गए तमाम कौम परस्त कार को आज़ाद किया जाए मुजाहरीन ने अवहद एमस्टी इंटरनेशनल यूरोपीय यूनियन एशियन ह्यूमन राइट कमीशन समेत दुनिया के तमाम इंसानी हकूक के इदारों ऐसी अपील की वो पाकिस्तानी रियासत और फौज की जानेब से सिंध और बलूचिस्तान में किए जाने वाले तमाम मजालिम और इंसानी हकूक की पामाली और जंगी जरायम का नोटिस लें क्वेटर रेलवे कॉलोनी में एक शख्स ने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है दूसरी तरफ योब से पुलिस को एक बोरी बंद लाश मिली है बलूच तलबा अलाइंस की जानब से ऑनलाइन क्लासेस की अजरा के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतियाज और रैलियों का सिलसिला जारी है इसी सिलसिले में खुजदार कराची और कोयटा के बाद बलूच तलबा अलाइंस ने इस्लामाबाद में भूख हड़ताली कैम्प का इनका किया है जुमेरात को इस्लामाबाद में तुलबा ने आई टी सी ऑफिस के सामने एहतरा किया और मुतालबा किया की ऑनलाइन क्लासेज का अजरा बंद किया जाए जिसकी वजह ऐसी हजारों तुलबा की ताली कैरियर खतरे में है तुलबा ने आई टी सी की फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की पाकिस्तान विफा की विफाकी हुकूमत में शामिल बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी जमहूरी वतन पार्टी ने अलहदगी का इंदिया दे दिया है जमहूरी वतन पार्टी की तरफ से जारी ऐलाम में कहा गया है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है हमसे किया गया एक वादा भी पूरा नहीं हुआ पार्टी की सेंट्रल कमेटी फ़ैसला करेगी की हुकूमत का मजीद साथ दें या अपोजिशन बेंचों पर बैठे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर डॉक्टर जहानजेब जमाल दीनी ने कहा है कि वजी अजम पाकिस्तान इमरान खान माजी की हुकूमतों की तरफ बलूचिस्तान को लॉली पॉप दे रहे हैं उनका कहना था कि मुजाकिराती कमेटी के पास इख्तियार नहीं थे और उन्हें मुआदे का पता भी नहीं था डॉक्टर जहाँजेब जमालदीनी के मुताबिक वजीर अज़म पाकिस्तान इमरान खान ऐसी पाँच छः मुलाक़ते हुई थी मगर वो था और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है डॉक्टर जहां जमालदीनी का कहना था कि की वफाकी हुकूमत के साथ साथ बलुचिस्तान हुकूमत भी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐसी मुतासर होगा बलूचिस्तान में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है बलूचिस्तान में कोरोना वायरस केसेस की मजमुई तादाद आठ हजार सात सौ चौरानबे हो गई है जबकि हलाकते तिरानबे है बलूचिस्तान में अब तक तीन हजार इक्यावन अफरा सेहत याब हुए हैं मौके में सेत बलूचिस्तान ने ऐलान किया है की कि अब मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान से कोरोना वायरस के केसेज आ रहे हैं जबकि केसेज की सबसे ज्यादा तादाद को रिपोर्ट हुए हैं बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान में ईरान से मुलहिक सरहद को तजारत के लिए खोल दिया गया है ताहम बॉर्डर खोलने पर एस ओ पी आरोप अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया है तफ्तान बार्डर सताईस मार्च से कोरोना वायरस के सबब बंद था ये थे दोस्तों मुराद बलोच अब इलाके और आलमी खबरें खलील वाडिल्ला ऐसी सुनिए कराची में सिंधी कौम प्रस्त कार न्याज लाशारी के साथ मिलने वाले दूसरे लाश की शनाख्त पचास साल आसिफ हुसैन सिद्दीकी के नाम से हुई है पुलिस ने मकदूल के भाई आतिब के मुद्दियत में नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है दूसरी तरफ एम क्यू एम लंदन ने एक बयान में कहा है कि आसिफ पूर्व पाशा पार्टी का डिफेंस कलेप्टन सेक्टर का सीनियर कारकुन था जिसको पाकिस्तानी इदारों ने बाईस फरवरी दो हजार उन्नीस को जबरी तौर पर लापता किया था इस्लामाबाद की निस्द दहशत गर्दी अदालत ने इमरान फारूक कतल केस में नामजद तीनों मुलजमान पर जुर्म साबित होने पर मोहजम अली काल शमीम और मोहसन अली को उमर कैद और दस दस लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि चार मुलजमान बानी एम क्यू एम अल्ताफ़ हुसैन मोहम्मद अनवर इफ्तकार हुसैन और काशिप कामरान को इश्ते करार दिया है पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान खान ने मुल्क में आलिया पेट्रोल बहरान में कंपनियों के लाइसेंस मुतल और मनसूख करने का हुक्म दे दिया है इमरान खान को पेट्रोल बहरान पर पेश की गई इब्तदाई तहकीकती रिपोर्ट में आयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिविजन आरोप आयद कर दी है जिस पर इमरान खान ने ओगरा को रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दी जाने वाली आयल कंपनियों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की Hey फेडरेशन ऑफ आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि चेयरमैन आयर एजुकेशन कमीशन को तब्दील किया जाए और फैकल्टी मेंबरों के लिए तदरीसी तजर्बे व प्रमोशन के लिए पी एच डी के बाद के तजर्बे की जरूरत के नपाज में मजदूर पांच साल की तोसी देने समेत एच ई सी के नई रिसर्च जर्नल पॉलिसी की नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और इस रिसर्चर्स के लिए पिचत्तर फीस टैक्स छूट दी जब जा को दर्पेश दीगर मसायल जाए जबकि इस दरपेश हल किए जाए फेडरेशन ने धमकी दी है की अगर तीस जून तक मुतालबात पूरे न हुए तो ऑनलाइन क्लासेस ऐसी बाईकाट करेंगे और एच ई सी के तमाम पॉलिसी ऐसी बाईकाट करने समेत एहतजाज पर मजबूर होंगे चीन की वजारत कारजा ने कहा है कि बीजिंग और नई दिल्ली के दरमियान सिफारती सतह पर रबता हुआ है और दोनों ममालिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जल्द अज जल्द कशीदगी कम करने पर आमादा हो गए हैं वाज रहे भारत और चीन के फौजियों के दरमियान लद्दाख के मुतनाज़ सरहद पर जड़प के बाद कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और दोनों मुल्कों ने सरहद पर इजाफी फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं अकवा मुत के सक्रटरी जनरल एंटोनियो गोत्रेस ने लद्दाख में भारत और चीन के माबेन तनाजात पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से अपील की है कि वो तामुल से काम लें इस हवाले से अवहद के तर्जमान ने कहा है कि हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के माबेन तशद और अमवात की खबरों पर तशवीश है सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस मुल्की और गैर मुल्की अट्ठाईस अपराध को एक सौ चौरानवे बरस कैद और भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है अदालत ने मुलजमान से सोलह अरब 6 करोड़ उनहत्तर लाख एक हजार तीन सौ चालीस रियाल जब्त करने का हुक्म देते हुए कहा है कि गैर मुल्की मुलजमान को सजा के पौरी बाद ब्लैक लिस्ट करके मुल्क बदर किया जाए व्हाइट हाउस ने बुध के रोज ऐलान किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इगोर अकलीत के हकूक के खिलाफ वर्जियों की पादाश में चीनी एहमाम पर पाबंदियां आयद करने वाले एक कानून पर दस्तखत कर दिए हैं ये कानून चीन में इगोर और दीगर अकलीतों की नस्ली शनाख्त मिटाने और उनके मजहबी इतकादात के खात्मे के लिए इंसानी हकूक की पामालियों मुजर्माना कैंपों का मनजम इस्तेमाल कैद बा मुशक्कत और दीगर जराय में मुलवस एहलकारों के खिलाफ मंजूर हुआ है अमरीका ने शामी सदर बश्ारा असद और इनके अहलिया समेत दर्जनों शामी शहरीों पर मजीद माशी पाबंदियां आयद कर दी हैं नई पाबंदियों के बाद इन अपराध के अमरीका में मौजूद अरसा से मंजमद हो जायेंगे अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि पाबंदियों के जरिए बशार असद पर माशी और सियासी दबाव जारी रखेंगे और बशार असद हकूमत की शामी अवाम के खिलाफ जालमाना जंग रुकने तक इसका सिलसिला जारी रहेगा लीबिया के बरान के हवाले से दो इतिहादी ममालिक्रांस और तुर्की के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा देखने में आया है जहाँ फ़्रांस ने लीबिया में फौजी मुदाखलत पर तुर्की को एक बार फिर कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अंकरा की तरफ से लीबिया की कौमी वफाक हुकूमत की मुसलसल मदद जंग बंदी के लिए होने वाली कोशिशों को सबूताश करने के मुतरद है आलमी इदारा सेहत ने बुध को ऐलान किया है कि वो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज करदा दवा क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के मुमकिन इलाज की तलाश के हवाले से होने वाले आलमी तहकीक से निकाल रहा है क्लोरोक्विन की आजमाइश खत्म करने का फैसला ट्रायल के डेटा और एक तहकीक के नतज के बाद किया गया जिनमें अंदिया दिया गया था की ये दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए फायदा मंद नहीं खिलवाडिला इसी के साथ ही आज की न्यूज ब्रिडन का अख्ताम होता है अपने मेज़बान हुमेरा बलोच को इजाजत दीजिए